जागते रहो। आज तुम्हारे बात करते हैं हम गीता के ऊपर। तुम्हारी गीता मत समझना, तुम्हारी गीता, मेरी गीता, हम सबकी गीता। गीता एक ही है जो कृष्ण ने गाई। तुम उसे कहते हो पूजनीय, मैं कहता हूं पूजो मत, उसे समझो, अपने जीवन में उतारो। खाली पूजा करके क्या होगा, गीता को उतारो। गीता इतना शुद्धतम वक्तव्य है, उसको जीवन में धारण करना है, लेकिन सही समझना है, गलत नहीं। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अर्जुन कहता है कि मेरे चाचा, ताऊ, मामा हैं, गुरु हैं, मैं उनको कैसे मारूं, तो कृष्ण कहते हैं अरे ये सब मरे ही हुए हैं, तूने तो हाथ लगाना है, निमित्त बनना है, और तुम शास्त्रों में भी तो यही कहते हो कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। और ध्यान रखना, यही गीता तुम्हारे उग्रवादी पड़े बैठे हैं, वो भी तो ये कहते हैं, कहते हैं ये सब मरे ही तो हुए हैं, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, हम थोड़े ही मार रहे हैं। ध्यान देना, गलत मत समझना, मैं उग्रवाद का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें केवल ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस गीता का जिस प्रकार अर्थ तुम लगाते हो वो अर्थ नहीं है, अर्थ कुछ और है। तुम जिस प्रकार तुमने सोए सोए अर्थ लगा लिया, उसी प्रकार उन उग्रवादियों ने भी लगा लिया। अब मैं कहता हूं तुम जागो, आंख खोलो, जब आंख खोलोगे ना तो वही गीता का अर्थ ही कुछ और निकलेगा। तुम स्वयं, गीता गलत नहीं है, कोई भी व्यक्ति मेरी बात को अन्यथा नहीं ले लेना, ना गीता गलत है, ना रामायण गलत है, ना कुरान गलत है, ना बाइबल गलत है, ना ग्रंथ, ना बौद्ध धर्म, लेकिन जो तुम अपनी अपनी मर्जी से अर्थ लगाते हो ना, सेम अर्थ उग्रवादी भी लगा लेते हैं। तुम जब तक तुम जागोगे नहीं, जब तक तुम आंखें नहीं खोलोगे, जब तक तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या सही और क्या गलत। और जिस दिन आंखें खुल जाएंगी ना, उस दिन तुम्हें कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सही गलत सब तुम्हें पता चल जाएगा। और ये सारा का सारा ज्ञान ना तुम्हारे ऊपर थोप दिया गया है, लेकिन तुम कहते हो हमने समझा, हमने पढ़ा, हमारी मर्जी, स्वेच्छा से। ये स्वेच्छा नहीं है, स्वेच्छा तुम्हें दिखाई गई है। कैसे? नरक का भय दिखाकर, 84 लाख योनियों का भय दिखाकर। और तुम कहते हो कि हमें तुम्हारे धर्म ग्रंथ आते हैं, तुमने पढ़े हैं, तुमने समझे हैं। ना पढ़े, ना समझे, ना किसी ने समझाए, केवल डर दिखाया। और डर के द्वारा जो भी कार्य होता है वो तुम्हारी इच्छा से नहीं होता है। तुम एक दृष्टांत सुनो। एक कक्षा के विद्यार्थियों ने क्लास में उपद्रव किया, सारे डेस्क तोड़ दिए, सारे पंखे तोड़ दिए, सारा तहस नहस कर दिया। अब ये तो पता चल गया कि बच्चों ने ही किया है। प्रधानाचार्य ने सबको बुलाया, देखो जो जो अपनी गलती मान लेगा उसको क्लास से नहीं निकाला जाएगा, और जो गलती नहीं मानेगा उसको दंड दिया जाएगा, उसका नाम काट दिया जाएगा, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर दिया जाएगा। अब अपने अपने घर जाओ और कल आके अपनी अपनी गलती बताओ। सब लोग आए अगले दिन। एक बच्चा आया, साथ में उसकी माँ आई। माँ प्रधानाचार्य के पास गई और कहती, देखो जी मेरे बच्चे ने ये गलती की और ये स्वेच्छा से मानता है।
तो प्रधानाचार्य ने पूछा, ये कैसे स्वेच्छा से मानता है? तो भाई तू बता, तूने गलती की? माँ कहती, जी बिल्कुल अपनी इच्छा से मान रहा है, और इच्छा से मानने के लिए मुझे केवल 4 घंटे लगे मनवाने के लिए। प्रधानाचार्य भी आश्चर्य में, 4 घंटे लगे और अपनी इच्छा से मनवाने के लिए, कैसे माना अपनी इच्छा ने, इच्छा से? तो उसकी माँ बोलती है, जी पहले तो मैंने इसे बाथरूम में बंद किया 1/2 घंटा, नहीं इसने माना तो फिर मैंने बाहर निकाला, इसे नंगा किया, फिर इसे पीटा, फिर बंद किया, फिर नहीं माना तो बाहर निकाल के इसके मुंह में मिर्च रगड़ी, फिर इसके पापा ने इसे पीटा, तो 4 घंटे इसकी जब पिटाई हुई तो इसने अपनी इच्छा से मान लिया कि इसने गलती की। यही इच्छा, इसको बोलते हैं स्वेच्छा, तुम बोलते हो इसे स्वेच्छा, अपनी इच्छा से। देख लिया तुम्हारी इच्छा, तुम नरक में जाओगे, तुम 84 लाख योनियां भुगतोगे, नहीं तो हमारी बात मानो, और तुमने उन्हीं महात्माओं की बात मान ली, यही है तुम्हारी स्वेच्छा। और तुम कहते हो हमने गीता पढ़ ली, हमने रामायण पढ़ ली, हमने अपने अपने शास्त्र पढ़ लिए और तुम सब धार्मिक हो गए। बिल्कुल ऐसे ही धार्मिक हो तुम, इसके अलावा कोई धार्मिक नहीं हो, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। एक और दृष्टांत सुनो। एक व्यक्ति शराब पीता था, रोज सड़क पे लेटता था, रोज नाली में लेटता था, उल्टी सीधी हरकतें करता था। एक दिन गली में रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा को तरस आ गया। बूढ़ी अम्मा ने शराबी को बुलाया, अपने पास प्यार से बिठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई, पूछा, बेटा तू रोज शराब पीता है, रोज नाली में लेटता है, रोज उपद्रव करता है, आखिर तुझे कौन मजबूर करता है ये उपद्रव करने को, या तुझे कौन मजबूर करता है ये शराब पीने को? वह व्यक्ति बोला, माँ मुझे कौन मजबूर करेगा, मैं स्वेच्छा से पीता हूँ, अपनी इच्छा से। ये वही इच्छा है जो तुम्हारे अंदर इच्छा थी धर्म की। क्या इसको स्वेच्छा बोलेंगे? क्या बच्चों की पिटाई हुई, 4 घंटे बाद उसने माना कि मैंने सारा तोड़फोड़ की, क्या इसको स्वेच्छा बोलोगे? तुम्हें नरक का भय दिखाया गया, तुम्हें 84 लाख योनियों का भय दिखाया गया, तुम्हें सिद्धाश्रम का प्रलोभन दिया गया, तुम्हें मोक्ष का, मुक्ति का, स्वर्ग का, गोलोक का, वैकुंठ का प्रलोभन दिया गया, तब तुम मान गए तुम धार्मिक हो। क्या ये तुम्हारी इच्छा थी, तुम इसे स्वेच्छा बोलोगे? क्या ये धार्मिक हो? मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं ना, ये शुद्ध ज्ञान दे रहा हूं, तुम इसे ज्ञान कहो या अज्ञान कहो, तुम इसे अज्ञान ही कहो तो बढ़िया है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे उस ढोए हुए ज्ञान को निकाल रहा हूं जो तुमने ढोया हुआ है, जिससे तुम स्वयं को धार्मिक मानने लग गए हो। धार्मिक तुम हो नहीं, जिस दिन तुम धार्मिक हो जाओगे ना, उस दिन ये सारे उपद्रव समाप्त हो जाएंगे। पशुहीन है, हमारा धर्म उच्च है, हिंदू कहता है मेरा धर्म उच्च, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का या अन्य सब निकृष्ट, मुस्लिम भी यही बोलता है कि मेरा धर्म ऊंचा, बाकी सब निम्न। जिस दिन धार्मिक हो जाओगे ना, ये विचार निकल जाएंगे। जिस दिन धार्मिक हो जाओगे, उस दिन मनुष्य जन्म उत्तम और पशु जन्म निम्न, ये भी विचार निकल जाएंगे। जिस दिन धार्मिक हो जाओगे, उस दिन लड़ाई, झगड़ा, छल, कपट, जब तुम्हें एक ही परमात्मा नजर आएगा हर कण में, हर जर्रे में, हर वस्तु में, हर मनुष्य में, हर जीव में, किससे उपद्रव करोगे? बुद्ध, जब बुद्ध आए, कितनों से उनका द्वेष हुआ, अलग था ही नहीं कोई, ऊपर ऊपर से सब अलग लेकिन भीतर से सब जुड़े हुए।
ये ज्ञान चाहिए। ये जो भेद बुद्धि के ज्ञान तुमने धारण किए हुए हैं ना, भेद बुद्धि क्यों? क्योंकि तुमने जो माना हुआ है परमात्मा को दूसरा माना हुआ है। जब परमात्मा दूसरा है तो व्यक्ति तीसरा हो गया, पशु चौथा हो गया, कोई पांचवा हो गया, कोई हजारवां हो गया। लेकिन ये भेद है ही नहीं। एक ही तत्व, एक ही मूल परमात्मा सबके अंदर वास कर रहा है। जिस दिन दृष्टि अपने भीतर अपने परमात्मा तक पहुंच जाएगी ना, उस दिन सबके परमात्मा तक पहुंच जाएगी। घर से जिस रंग का चश्मा लगा के निकलोगे, सृष्टि उसी रंग की नजर आएगी। हरा चश्मा लगा के निकलोगे तो दुनिया हरी नजर आएगी, लाल चश्मा लगा के निकलोगे तो दुनिया लाल नजर आएगी। घर में से पत्नी से लड़के निकलोगे तो रास्ते में सारे व्यक्ति तुम्हें लड़ते हुए मिलेंगे, और घर में से प्रेम पूर्वक निकलोगे तो हर व्यक्ति प्रेम से तुम्हें मिलेगा। तो जिस दिन स्वयं का परमात्मा नजर आ जाएगा, उस दिन सारे जगह परमात्मा नजर आ जाएगा। परमात्मा तुम्हें घर से लेकर निकलना है। परमात्मा मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, किसी धर्म स्थल में मिलेगा, किसी धार्मिक तीर्थ में मिलेगा, बिल्कुल नहीं। वो तो तुम अपने अपने एंजॉयमेंट करने जाते हो तीर्थ स्थलों में। परमात्मा तुम्हारे स्वयं भीतर बैठा है, तुम्हें अपने भीतर से मिलेगा। तुम्हारा धर्म, कोई भी धर्म, तुम इसे हिंदू मत समझ लेना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, या कोई भी 600 से ज़्यादा धर्म है दुनिया में, तुम्हारा धर्म मनुष्य की कद्र नहीं करता। वो हमेशा तुमको यहाँ दुखी रहना सिखाता है, और मरने के बाद स्वर्ग में, बैकुंठ में, जन्नत में, मोक्ष, मुक्ति, गोलोक, सिद्धाश्रम, वहाँ पे सुखी रहना सिखाता है। और मैं कहता हूँ तुम यहीं सुखी रह सकते हो। तुम इस धर्म को देखो तो सही, धर्म वो है जो तुम्हें सुखी करे। कब? आज, वर्तमान में, ना कि 100 साल बाद, ना कि मृत्यु के बाद। धर्म, धर्म कमाया जाता है, जीवन जिया जाता है। जीवन, तुम पैदा हुए, तुम मरे, तुम्हें लगा कि तुम्हें जीवन मिल गया, ये जीवन नहीं है, ये एक छोटा सा समय मिला है, इसी में जीवन जिया जाता है। मैं एक बार, बहुत पुरानी कहानी है, घटना है, मैं कहीं क्लब में, स्विमिंग पूल में तैरना सीखने गया। मेरा टीचर मुझे बोलता था सिर नीचे करके तैरो, मैं सिर बाहर निकाल के तैरता था। वो कहता था ऐसे ज़्यादा तैरना नहीं सीख पाओगे। मैंने उसे प्रश्न किया, मैंने कहा अगर मैं सिर नीचे करूँगा तो मैं सांस कैसे लेऊँगा? तो उसने मुझे बताया, जरा सा सूक्त है उसे अपने जीवन में उतारना। वो कहता है सांस लेना नहीं होता, सांस चोरी करना होता है। तुम तैरे, जरा सा मुंह घुमाया, सांस लिया और फिर मुंह नीचे, तो सांस चोरी करना होता है। उसी प्रकार ये जीवन, जो तुम्हें जीवन मिला, जो समय मिला, इसमें तुम्हें जीवन को चोरी करना है, इसमें तुम्हें अपने लिए जीवन जीना है, अपने जीवन को बनाना है। तुम इसी उपद्रव में लगे रहते हो कि मरने के बाद जीवन मिलेगा, मरने के बाद तुम स्वर्ग जाओगे। कोई कहता है हम विष्णु स्वरूप हो जाएंगे, कोई कहता है हम देवी स्वरूप हो जाएंगे, और कौन से जीवन के सपने देखे जा रहे हो? तुम्हें इसी जीवन में जैसे सांस चोरी करना होता है, वैसे ही तुम्हें जीवन चोरी करना होता है। उस जीवन को यहीं पकड़ना होता है, वर्तमान में, इसी क्षण, वो जीवन है। उस जीवन को यहीं पकड़ो, यहीं सुखी हो। तुम मरने के बाद सुखी होगे, कैसी मूढ़ता की बातें हैं। मरने के बाद देह दूसरी। गीता में कृष्ण ने कहा है कि जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही तुम्हारा जीवात्मा देह बदलती है। तुम यहां से निकले, तुम दूसरी देह में गए, जीवात्मा ने दूसरी देह अपनाई,
अपने अपने प्रारब्ध अनुसार या अपने अपने वासनाओं के अनुसार। तो वहां जाकर भी तुम ये कहोगे कि अब मैं यहां पैदा हो गया, अब मैं मरूंगा तब मैं मुक्त होऊंगा, तब मैं सुखी होऊंगा, तब मुझे स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। नहीं, सारी कहानी तुम जरा खुद अपनी आंखों से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम केवल झूठ में जी रहे हो। सारी कहानी रची गई है। यहां से जाओगे किसी दूसरी गली में पैदा हो जाओगे, 100 साल बाद वहां से मरोगे तीसरे मोहल्ले में पैदा हो जाओगे, आखिर तुम सुखी कब हुए? मैं यही तो कहता हूं, सुखी यही होना है। आंखें खोलो तो सही, तुम देखो तो सही, तुम खुद अगर तुम अपने पूरे घर वालों से बैठ के विचार विमर्श करो और खासकर अपने दादा दादी माँ बाप पूछो, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो हमारे ही घर का बूढ़ा मरा और हमारे ही किसी आसपास के घर में पैदा हो गया? तो कोई ना कोई एक कहानी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ जी, वो हमारे दादाजी थे, वो उनके घर पैदा हो गए, वैसा ही आचरण, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही सब कुछ, कोई ना कोई तुम्हें घटना मिल जाएगी। तो वहां से मरे, वहां पैदा हो गए, तो मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद सुख मिलेगा। तुमने यहाँ गीता रटी, यहाँ शास्त्र रटे, यहाँ राम नाम जपा, यहाँ हवन किया, ढेरों उपाय किए, उसका फल कहाँ गया? उसका फल मरने के बाद नहीं था, उसका फल यहीं था। मुक्ति तुम्हें यहीं मिलनी चाहिए थी इसी जीवन में, मोक्ष तुम्हें यहीं मिलना चाहिए था, स्वर्ग तुमने यहीं जीना था, मरने के बाद स्वर्ग कल्पना, यहीं स्वर्ग मिलना था। इसीलिए तो कहता हूं आंखें खोलो, जागो, देखो मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं। केवल आंख बंद करो, ध्यान करो, मुझे केवल सुनो, सुनने मात्र से तुम्हें बोध का जागरण हो जाएगा। अंत में आज इतना ही, शेष किसी और दिन। तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो। Mm-hmm.